पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो ये बात है अमेरिका की। एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था, कहीं से भी कोई राह नहीं सूझ रही थी, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन वह पार्क में बैठा अपनी परेशानियों पर चिंता कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो युवक ने कहा, क्या बताऊं अंकल, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया है। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10,00,000 का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने चेक बनाया और उस व्यक्ति को देते हुए बोला, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक्ड हो गया। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा, पर अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि जब एक स्ट्रेंजर व्यक्ति मुझ पे इतना भरोसा कर सकता है, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। ये ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि वो इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा ना बचा तो वो चेक का यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खूब मेहनत की। बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वह सारे कर्ज को चुकता कर दे। उसकी कोशिश रंग लाने लगी, कारोबार चलने लगा और कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। 1 साल बीत गया। वही दिन ठीक उसी समय वह बगीचे में पहुंच गया। वो चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और उस वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, ये एक पागल आदमी है, ये बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया, वह चेक नकली था। पर यह बात भी उसे समझ आ गई कि हमेशा जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। और जब भी कोई परेशानी आए तो मुस्कुराएं और कहे कि मैं तैयार हूँ उस परेशानी का सामना करने के लिए। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी?
देख कहानी तो बहुत मजेदार थी और मैं कहानी से समझ भी गई कि हमें अपने काम पर और खुद पर हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये है मस्ती की पाठशाला।